बात करूंगा दोस्तों तुला राशि की। तुला राशि वाले व्यक्ति सात मार्च 2019 से सितंबर 2020 तक मिथुन राशि में उच्च के राहु का फल नाइन्थ हाउस में, भाग्य के घर में, धर्म कर्म के घर में, मतलब भक्ति बढ़ा देंगे। तुला राशि वालों का इस साल में धर्म कर्म के काम ज़्यादा हो जाएंगे। कोई वैष्णो देवी जी जाना चाहते हैं, रामेश्वरम जाना चाहते हैं, आप तिरुपति बालाजी जाना चाहते हैं, चार धाम की यात्रा करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें इस वर्ष आपके होने के चांसेस हैं जो तुला राशि के व्यक्ति हैं। तुला राशि वाले व्यक्तियों की बात करें तो कुछ काम, बने बनाए काम रुक सकते हैं, थोड़े से काम, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, कुछ काम में अड़चन आएगी, फाइनेंशियल कुछ कामों में थोड़ा लेन देन सावधानी से करें। हाँ, फॉरेन सेटलमेंट की बात थी, अगर आपकी कोई बाहर की प्लानिंग चल रही है तुला राशि में स्वामी शुक्र, और तुला राशि में स्वामी शुक्र राहु देव के मित्र राक्षस ग्रह, देखते गुरु शुक्राचार्य है, तो तुला राशि वालों को भाग्य घर में राहु देव फॉरेन सेटलमेंट कराते हैं। फॉरेन की कोई पीआर आपने अप्लाई की है, पीआर आ जाएगी, कोई वीज़ा अप्लाई किया है, वीज़ा मिल जाएगा, घूमने का चांस बनेगा। धर्म कर्म के अलावा मौज मस्ती एंटरटेनमेंट के लिए भी आप बाहर जाएंगे। थोड़ा सा तीसरे घर में, जब भाग्य घर में राहु आ गए तुला राशि में, तो तीसरे घर में पार्टनरशिप में भाई बहनों में केतु भी आ गए, तो यहाँ थोड़ी सी क्या पार्टनरशिप में और भाई बहनों के साथ रिलेशन सावधानी से बरतें, वहाँ पर थोड़े संबंध खराब हो सकते हैं। हो सके तो एक आप कोई पवित्र नदी में, गंगा जी में या कोई भी पवित्र नदी में, कहीं भी देश और दुनिया की किसी भी पवित्र नदी में डुबकी लगा के आएँ तो अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर माँ दुर्गा जी की पूजा करें, ओम दुम दुर्गायै नमः, ओम दुम दुर्गायै नमः, या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चये नमः मंत्र का तुला राशि वाले व्यक्ति पाठ करते रहें। दुर्गा जी के आगे रोज देसी घी का दीपक जलाएं, सूर्य को जल दें, तो आपका जरूर कल्याण होगा।